साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने दिल्ली में 8 लोगों को एक जॉब फ्रॉड केस में गिरफ्तार किए। 8 में 5 खातीन है और 3 मर्द है। इसमें एक हैदराबाद की एक लड़की जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट की, वो एक वेबसाइट में अपना पूरे प्रोफाइल और इंफॉर्मेशन उसमें दाखिल किए और एक फोन आती है उनको अक्टूबर के महीने में कि उसको एयरलाइन टिकटिंग एजेंट की जॉब, टिकटिंग स्टाफ की जॉब उसको मिलेगी और उसके तहत उनको उनसे पैसा मांगा गया और पूरे 8 लाख लड़की ने लोगों को भेजे। उसके बाद में उसको पता चला है पूरा फ्रॉड है। इसमें पूरे हमारे टीम जो है, रमेश, इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव, एसआई महेश, फिरोज, रघु, गजेश्वर कांस्टेबल्स, पूरे दिल्ली और जयपुर में जाके एक 8 लोगों को गिरफ्तार किए। ये लोग पूरे एक शॉप को पूरे रेंट में लेके वहाँ एक कॉल सेंटर चला रहे, पक्का ऑफिस की तरफ सेटअप लगा के वहाँ पे कॉल सेंटर चला रहे हैं लोग। उनको पूरे गिरफ्तार किए। और दूसरी बैंक दूसरी के जो है एक गिफ्ट फ्रॉड केस है। इसमें हैदराबाद के एक यहाँ के एक आदमी को एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आता कि उनको उनको दोस्ती हो गई उनसे और उसके बाद उनको बोलता है कि उसको थोड़े गिफ्ट ला रहा है यूएस से और जुलाई 12 को वो आने वाले बोल के उसको बोला। और उसी दिन जब वो लैंड होने वाला था उसी दिन उसको एक फोन आता कि वो दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स और इमिग्रेशन से कॉल कर रहे हैं अगर ये पूरे माल जो है उसको रिलीज करने के लिए उसको पैसे पे करनी होगी। तो पूरे इसमें 9 लाख रुपए ने दाखिल किए इसमें। और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किए बरेली यूपी से, मोहम्मद नईम और मोहम्मद फारूक, दोनों 23-22 ईयर्स के नौजवान हैं। इसमें एमओ जो होता है, ये लड़के जो है ये लोएस्ट लेवल हैंडलर है। ये पैसे एटीएम से विड्रॉ करके वो दूसरों लोगों को अपना कमीशन 10% कमीशन लेके और दूसरे को देता, वो फिर 10% उनका कमीशन लेके और दूसरे को और जो मेन ऑर्गेनाइजर है उनको देता। उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास, उनको भी जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। इसमें भी वेंकट राम रेड्डी इंस्पेक्टर, मधुसूदन राव एसआई, उनके स्टाफ और पूरी ये ऑपरेशन दोनों में हमारे एसीपी साइबर क्राइम साहब का अभी तक तो नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है।